नयाँ दिल्ली तिर खिचेको छ। नयाँ दिल्लीमा यतिखेर विभिन्न पक्षहरू चाहिँ यो राजदूतावासको रात्रि भोजमा हुनुहुन्छ हाम्रो बीचमा। नेपाल भारत सम्बन्धमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ केबी राजन, फर्मर एम्बेसडर। मिस्टर राजन, हाउ आर यू? फाइन, बहुत खुशी हुई आपको देखिए, बधाई हो आपको। क्यों बधाई है सर? प्रधानमंत्री आए हैं यहाँ पे, माहौल अच्छा है, मौसम अच्छा है। संधि पारित कराने के लिए महत्वपूर्ण आपने भूमिका किया था, उस समय आप नेपाल के राजदूत था केबी राजन साहब। अभी 30 साल हो गया, वो कार्य नहीं हुआ, पंचेश्वर आगे बढ़ेगा? अभी याद है, जरूर बढ़ेगा, जरूर बढ़ेगा, बता दीजिए। क्यों नहीं बढ़ेगा, जब लोग चाहते हैं दोनों देश में कि आगे बढ़े। अभी सारा फोकस जो है डेवलपमेंट पे है, बाकी तो सब चलता रहेगा, लेकिन अभी हम जनता के लिए जो कर सकते हैं दोनों देश में प्रायोरिटी वही है। अभी मोदी जी भी प्रैग्मैटिक हैं, प्रचंड जी भी बहुत प्रैग्मैटिक हैं, तो सारा जो प्रायोरिटी है अभी डेवलपमेंट पे है। अभी दोनों प्रधानमंत्री के बीच जो संवाद शुरू होगा कल, इस संवाद सार्थक और परिणाम की बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण ये चीज है कि जैसे पानी के विषय में, पावर के विषय में, कम्युनिकेशन के विषय में, जो कुछ भी हम कर सकते हैं। ये कोविड के बाद जो धक्का लगा है दोनों देश में, सारे दुनिया में, और बाकी भी जो जियोपॉलिटिकल विषय है, उस कारण से हम लोग सब डेवलपिंग कंट्रीज बहुत सफ़र कर रहे हैं, तो इस पे हमें ध्यान देना होगा अभी, और ध्यान दे रहे हैं। लकीली दोनों देश में मैं देख रहा हूँ कि एक तरीके का एक प्रैग्मेटिज्म आ गया है, वो एक बहुत बड़ा एसेट रहेगा दोनों देश के लिए। नेपाल के विकास के लिए क्या क्या करना पड़ेगा बता दीजिए? ये तो सब नेपाल के जो लीडर्स हैं, नेपाल का जनता है, वही डिसाइड करेंगे और डिसाइड कर रहे हैं। मेरे ख्याल से जो मेन विषय है वो तो काफी स्पष्ट है, अब उस विषय पे कैसे हम इम्प्लिमेंट करें। नेपाल भारत सम्बन्ध अगाडि बढाउनु पर्छ, नेपाल भारत सम्बन्धमा नयाँ किसिमको एउटा आइसबेग हुनुपर्छ भनेर धेरैले भनेका छन्। त्यसैले हामी नेपाल भारत सम्बन्धको बारेमा यहाँ चर्चा परिचर्चा र बहस गर्दैछौँ नेपाल भारत सम्बन्धको बारेमा। सर, म आपसे कुछ सवाल पुछ्न चाहता हूँ, नेपाल भारत सम्बन्ध कैसे आगे बढ्न चाहिए, इकोनोमी एजेन्डामा और नेपालको प्रगति और विकासमा? इनसे पूछिए। देखिए, नेपाल भारत संबंध है, बहुत अच्छा संबंध है, और ये एक बहुत यूनिक, बहुत विशेष संबंध है। इसमें क्या करना है हमें कि किस तरह से जो आर्थिक संबंध उसको बढ़ाएं हम लोग, और जो सामाजिक संबंध है उसको और आगे हम लोग कैसे ले जाएं। हमारे बीच में बहुत संबंध। आपको कार्यक्रम स्वागत करना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि भारत और नेपाल के संबंधों के लिए केवल एक शब्द है, दोस्ती। दोस्ती जी, दोस्ती तो अभी भी है ना, लेकिन नेपाल में विकास नहीं हुआ ना जितना होना था, भारत ने क्यों सपोर्ट नहीं किया? आपको लगता है भारत ने सपोर्ट नहीं किया? भारत का तो बहुत एक्सटेंसिव प्रोग्राम है नेपाल में डेवलपमेंट के लिए, बहुत ही प्रोजेक्ट्स हैं। नेपाल बहुत सपोर्ट मिला भारत से? नेपाल को मुझे लगता है बहुत मिला है। जैसे नेपाल भारत संबंध रोटी बेटी का जो संबंध है आपको मालूम है ना, उसको आगे कैसे बढ़ाएंगे? जल स्तर में संबंध है, अभी नेपाल भारत संबंध में आप समस्या क्या लग रहा है आपका? मैं समस्याओं को नहीं देख रही हूँ, मैं समस्याओं के समाधान को देख रही हूँ, और मुझे लगता है कि जो भी हमारी समस्याएं हैं वो हमारी अपनी हैं, आपस में मिलके हम उन्हें उनका समाधान कर सकते हैं। लगा एक सूत्रधार हो रहा हूँ नेपाल भारत सम्बन्धलाई राम्रो सन्यालन भएको, मैं ठीक हूँ, आपको बहुत हृदय से सम्मान प्रकट करना चाहता हूँ। और नेपाल भारत सम्बन्ध कैसे आगे बढ़ना चाहिए सर, बताइए? नेपाल डूइंग वेरी वेल, आई एम श्योर इट कंटिन्यू टू प्रोग्रेस अंडर द प्रेजेंट लीडरशिप, एंड आई हैव नो डाउट दैट इंडिया नेपाल रिलेशन विल कंटिन्यू टू कीप इंप्रूविंग। लेकिन अभी जो समस्या है उनको कैसे समाधान करना चाहिए, जैसे सीमा समस्या को समाधान कैसे होगा? ये सीमा समस्या का समाधान जो है दोनों साइड जब इकट्ठे बैठेंगे, कुछ टाइम लगाएंगे, तो उसका समाधान निकल जाएगा। हमारे जो रिलेशन है वो बहुत डीप है, बहुत गहरे हैं, तो
हर हालत में इसका समाधान निकल आएगा, बड़े प्रेम से, बड़े प्यार से, अच्छी तरह से। नेपाल का मेन समस्या क्या है? विकास और समृद्धि। आज के दिन में नेपाल में प्रगति और उन्नति भारत का चाहना है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेपाल को बहुत सपोर्ट करना चाहता है ना, आपका मालूम है। अब नेपाल के विकास के लिए भारत अभी कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे सपोर्ट करना चाहता है? अभी आपके नेपाल के प्राइम मिनिस्टर आए हैं, उनकी डिस्कशन हमारे हायरार्की के साथ, हमारे प्राइम मिनिस्टर और सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल के साथ होगी, तो उसमें वो उसका हल निकालेंगे। जो 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 नेपाल को जिस तरह से भारत की तरफ से मदद मिल सकती है, वो भारत की तरफ से मदद देने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ेगा संबंध, बिल्कुल आगे बढ़ेगा। किसी बढ़ावनको लागि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएको व्यक्तित्व र भगत सिंह कोशियारी हुनुहुन्छ। भगत सिंह कोशियारी भनेको नेपाल भारत सम्बन्धको एउटा सूत्रधार यहाँ हुनुहुन्छ। तपाईँलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। तपाईँ महाराष्ट्रको गभर्नर बनिसकेपछि नेपाल आउनै छोड्नु भयो? अब त छोड दिया, नेपाली आउँगा। अब राष्ट्र राज्यपाल छोड़ दिया, हाँ अब नेपाल आऊंगा। क्यों? अब उसका क्यों का कोई उत्तर नहीं है। लेकिन अभी आप नेपाल से मिलना है, नेपाल आना जाना है, इसलिए महाराष्ट्र का राज्यपाल पद छोड़ दिया। अभी मुझे बताइए सर। अरे अरे ऋषि होगा, भयो भयो कैसे आगे बढ़ेगा सर? कैसे आगे बढ़ेगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंड के बीच में कल वार्ता होने वाला। जब तक ऋषि धमाल और भगत सिंह के संबंध अच्छे है, तब तक संबंधों के नेपाल और भारत के संबंध अच्छे नहीं, बहुत अच्छे रहेंगे। और इसलिए संबंध अच्छे हो रहे हैं, अच्छे हैं और आगे अच्छे होंगे। नेपाल के विकास और प्रगति में आपका महत्वपूर्ण अहम भूमिका है। आपने इतना प्यार किया है नेपाल और नेपाली को, भगत सिंह कोश्यारी जी, मैं आपको बहुत सम्मान प्रकट करना चाहता हूँ। आप प्रत्यक्ष प्रसारण में है, लाखों लाख नेपाली आपको देख रहे हैं। आज नेपाल से भगत सिंह कोश्यारी का ये संवाद ऋषि धमाला से शुरू हो रहा है। इस संवाद का मूल अंश क्या है कि मैं आपको बताऊंगा। अभी नेपाल भारत संबंध में आज के दिन में विकास और समृद्धि मूल एजेंडा है, लेकिन आपने बारम्बार नेपाल को भ्रमण के समय कहा था दोनों देश मिलना चाहिए। मिलेगा भारत और नेपाल के बीच आत्मीयता? अभी देखिए ऐसा है, भारत और नेपाल जुड़वे भाई हैं, एक ही खून है, एक ही रक्त है, एक ही संस्कार है, एक ही परंपरा है। भारत के लोग पशुपतिनाथ जाते हैं और नेपाल के लोग केदारनाथ आते हैं, और इसलिए देश दो अलग भले ही हैं, शरीर दो अलग हैं, हमारी दोनों की आत्मा एक है। बस दोनों देश मिलकर अभी विकास होगा, समृद्धि होगा। नेपाल का विकास अभी आधे अभ्यास छूट गया। नेपाल का विकास निश्चित रूप से होगा और नेपाल में स्टेबिलिटी आए, स्थायित्व आए, ये हर भारतीय की इच्छा है और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के। कोशियारीले महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। हामी नेपाल भारत सम्बन्धको बारेमा कुराकानी गरिरहेका छौँ र नेपाल भारत सम्बन्धबारे हामीले कुराकानी गरिरहँदाखेरि यहाँ विभिन्न पक्षका व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। हामीले विभिन्न पक्षसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ, विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। आज नेपाल के बाद जब से नेपाल छोड़ा है ना, तब से देखिए कुछ हुआ ही नहीं है। रिपोर्ट को इतने साल हो गए। बस गरिरहेका छौँ र नेपाल भारत सम्बन्धको बारे हामीले बहस गरिरहँदाखेरि यहाँ विभिन्न पक्षहरूसँग हामी वार्ता गर्न चाहन्छौँ, कुराकानी गर्न चाहन्छौँ र नेपाल भारत सम्बन्ध धेरै पक्षबाट यसको भौमिक चाहिँ छ। धेरैले भनेका छन् नेपाल भारत सम्बन्ध राम्रो हुनुपर्छ, प्रगाढ हुनुपर्छ, सुमधुर हुनुपर्छ। र नेपाल भारत सम्बन्ध राम्रो भयो भने नेपालमा विकास हुन्छ। एकदम सिनियर जर्नलिस्ट हुनुहुन्छ, तपाईँलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्न विभिन्न पक्षसँग कुराकानी गर्न चाहन्छु। म विभिन्न पक्षहरूलाई म चाहिँ नेपाल भारत सम्बन्धको बारेमा समीक्षा गर्नको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। नेपाल भारत सम्बन्धको बारेमा विश्लेषण गरिरहँदाखेरि, समीक्षा गरिरहँदाखेरि नेपाल भारत सम्बन्धका धेरै पाटाहरू छन्। ती पाटाहरूमा हामीले छलफल गरिरहँदाखेरि समस्या कहाँ छ, समाधान कसरी खोज्ने, हामी लगातार बहसमा छौँ। नेपाल भारत सम्बन्धमा अब एउटा नयाँ आयाम थपिनुपर्छ, एउटा नयाँ सोचका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ, नयाँ चिन्तनका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ। नेपाल भारत सम्बन्धले अब नयाँ रूप लिन्छ, नयाँ आकारमा जान्छ, नयाँ आयाम ल्याउँछ भनेर धेरैले भनेका छन्। त्यसैले नेपाल भारत सम्बन्धको हामीले कुरा गरिरहँदाखेरि अब केही समयपछि यहाँ नेपालका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आउँदै हुनुहुन्छ र
नेपाली राजदूतावासका कर्मचारीहरू सिनियर अफिसरहरू यतिखेर नेपालको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको स्वागत गर्नको लागि यहाँ भव्य समारोह आयोजना गर्नुभएको छ राजदूत शंकर शर्माले र उहाँले आयोजना गर्नुभएको यो विशेष समारोहमा भारतका दिग्गज हस्तीहरू पनि यहाँ आउनुभएको छ पूर्व मन्त्रीहरू आउनुभएको छ विभिन्न पार्टीका नेताहरू आउनुभएको छ विभिन्न पक्षहरू आउनुभएको छ त्यसैले गर्दाखेरि एम्बेसडर शंकर शर्माले जुन किसिमको यहाँ रात्रिभोज आयोजना गर्नुभएको छ र नेपालका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अब यहाँ सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्छ केही समयपछि त्यसैले गर्दा सबैको ध्यान यतिखेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डको यहाँ कहिले आउने हो भन्ने बारेमा चाहिँ सबैको कर्तव्यता छ त्यसैले गर्दा अब केही समयपछि यहाँ प्रधानमन्त्री आउँदै हुनुहुन्छ होइन एम्बेसडर साहब कति मिनटपछि आउँदै हुन्छ पाँच मिनटपछि प्रधानमन्त्री आउँदै हुन्छ त्यसैले सबैजना यहाँ उहाँलाई हामी देखाउन चाहन्छौँ सबैजना प्रधानमन्त्रीको स्वागतको लागि यहाँ बसिरहनु भएको छ आदरणीय दर्शक हामी यतिखेर प्रत्यक्ष प्रधान छौँ सबै पक्षसँग कुराकानी गर्ने के छ एकदम बढिया छ म मुम्बईदेखि संयुक्त नेपाली महासङ्घको महासचिव र हामी मुम्बईमा धेरै नै नेपालीहरू काम गर्छौँ र आज हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री आउँदै हुनुहुन्छ र त्यसको लागि हाम्रा केही समस्याहरू छन् र हामीले त्यो समस्या के के छन् समस्या नेपालीहरूको धेरै नै छ सबैभन्दा ठुलो समस्या हामीले नर्मल कल गर्दाखेरि अमेरिका कल गर्ने हो भने 2 रुपियाँमा हुन्छ त त्यहीँ हाम्रो आफ्नो देश कर्मभूमिमा हामीले फोन गर्दा हामीलाई 12 रुपियाँ केलाई चार्ज गरिन्छ त्यसको बारेमा पत्रकार महोदयहरूले पनि आवाज उठाउनु पर्यो र सरकारले पनि उठाउनु पर्यो र अर्को हामीलाई नेपालमा एउटा मजबुत सरकार चाहियो जसले कि नेपालको विकास गर्न सकोस् र हामीलाई परदेशी नपरोस् म चाहिँ नेपालदेखि एउटा 16 वर्षको उमेरमा आएर मजदुरीको काम गरिरहेको छु त त्यस्तै अनेकौँ हजारौँ लाखौँ नेपालीहरू यहाँ छौँ र नेपालीहरूलाई विदेशी नपरोस् हाम्रो त्यहीँ इच्छा छ हाम्रो देशमै हाम्रो आमासँगै हाम्रो नेपाल आमासँग हामी बस्न पाइयोस् त्यो हामीलाई इच्छा छ अब हामी प्रत्यक्ष प्रसारणमा छौँ र हामी केही समयपछि जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम सुरु गर्न चाहन्छौँ तर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आउँदै हुनुहुन्छ हामी देखाउन चाहन्छौँ करिब करिब केही समयपछि यहाँ आउँदै हुनुहुन्छ त्यसपछि हामी आज हुन सकेन भन्ने बहस पनि जारी छ म संक्षिप्त कुरा गर्न चाहन्छु आज दिनभरिको कुरा गर्दाखेरि तपाईँले त एकदम भव्य कार्यक्रम आयोजन गर्नुभएको छ प्रधानमन्त्री पनि आउँदै हुन्छ यो भ्रमण अब सफलतातिर उन्मुख भएको हो हामीलाई लाग्छ यो सफल हुन्छ किनभने हुन त वार्ता खास गरी वार्ता त भोलि हुने हो भोलि नै सबै धेरै एजेन्डाहरू आउँछ र भोलि नै धेरै कुराहरू निर्कल हुन्छ होला त्यहाँदेखि हामी यसलाई हामीलाई विश्वास छ यो एकदम सफल हुन्छ भन्ने हामीलाई कुरा लाग्यो सम्बन्ध सफल पार्न अब आर्थिक कूटनीतिको एजेन्डा अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने पक्षमा दुवै देशका जनता र उच्च अधिकारीहरू छन् तपाईँ पनि नेपालको विकास र प्रगति र उन्नतिको लागि नयाँ दिल्लीमा बसेर काम गरिरहेको एउटा राजदूत जनताको होइन नेपालको प्रतिनिधि मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि अब हाम्रो देशमा छ नि नेपालमा आर्थिक सम्पन्नताको लागि भारतले दिल खोलेर सहयोग गरेको हो हामीले त्यही प्रयास गरिरहेछौँ खास गरी एनर्जी सेक्टर होइन टुरिज्म सेक्टर अनि ट्रेड सेक्टरमा कसरी हामी इफिसियन्सी ल्याउन सक्छौँ कसरी बढी से बढी एक्सपोर्ट गरेर हामीले रेभेन्यू ल्याउन सक्छौँ कसरी बढी से बढी टुरिस्टहरू ल्याएर हामीले चाहिँ देशको समृद्धितिर हामी लम्किन सक्छौँ भन्ने त्यसैमा फोकस छ धेरै कुराहरू त्यसैमा छलफल पनि भोलि पनि हुन्छ भोलि आर्थिक एजेन्डाको बारेमा छलफल हुन्छ पक्का हुन्छ ऊर्जाको बारेमा फड्को मार्छ चमत्कार हुन्छ विश्वास गरेका छौँ हामीले थ्याङ्क यू सो मच एक्सलेन्सी शङ्कर नेपाली राजदूतावासमा आइपुग्नु भएको छ र म प्रधानमन्त्रीलाई देखाउन चाहन्छु तपाईँहरूलाई नेपालका प्रधानमन्त्रीको 4 दिने भारत भ्रमण चाहिँ आजबाट सुरु भएको छ र यतिखेर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आइसक्नु भएको छ प्रधानमन्त्री प्रचण्ड निकै प्रफुल्ल मुद्दामा हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्रीले आज विदेश सचिव र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका सुरक्षा एडभाइजरलाई उहाँले भेट्नु भएको छ र प्रधानमन्त्री निकै प्रफुल्ल हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्री खुसी पनि देखिनु भएको छ र हामी लगातार लाइभमा छौँ हिजोदेखि लगातार प्रत्यक्ष प्रसारणमा छौँ नेपाल भारत सम्बन्धमा एउटा आइस ब्रेक होस् भन्ने नेपाली जनताको चाहना छ त्यही भएर प्रधानमन्त्रीले यो भ्रमणलाई फलदायी र उपलब्धिमूलक हुन्छ भनेर काठमाडौँमा बताइसक्नु भएको छ त्यसैले हामी प्रधानमन्त्रीको यो भ्रमणलाई तो मुझे भी दर्द महसूस हो जनस्तर में इतना प्यार भी है प्रेम भी है सद्भाव भी माया भी है रोटी बेटी का संबंध भी है मैं जानता हूं लेकिन मेरा एक सवाल क्या है आपने बताया है कि नेपाल का एयरपोर्ट चाइना ने बनाया है बोखारा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट और गौतम बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट चाइना ने तो भारत में बहुत लगानी किया है ना लगानी चाइना कर रहा है तो आपका आपत्ति क्यों नेपाल कारण क्या हो देखिए हमारा कोई आपत्ति नहीं है नेपाल के पक्ष में जो भी देश आगे आता है नेपाल को आगे बढ़कर उसका स्वागत करना चाहिए नेपाल के अंदर
जब अर्थक्वेक आया, भूकंप आया, पहले 6 घंटे के अंदर अमेरिका, चाइना, फ्रांस, जर्मनी नहीं आए, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो वहां पर सहायता दी, डॉक्टर्स भेजे, अपने वर्कर्स भेजे, अपना साजो सामान भेजा, अपनी दवाइयां भेजी, और उसके उसको भी एक परे कर दीजिए, कोरोना कार्यकाल के अंदर जो भारत ने कोरोना की वैक्सीन नेपाल और नेपालियों की जान की माल की हिफाजत करने के लिए भेजी। जस्टिन AD, सब्सक्राइब टू चैनल।